अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला जहाँ भी रखे आप लोगों को अपनी सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने लगी हूँ, रेगिस्तान की ट्रेडिशनल रोटी, जहाँ पे जिस तरह मतलब ये लोग खाते हैं, मैं आपको वो चीज़ दिखाने लगी हूँ। चलें जी देखें। इन्होंने पहले तो आटा गूंदा, इसको अच्छे तरीके से बड़े बड़े उनके पेड़े बना लिए और उसको थोड़ा सा बड़ा किया, उसमें डिज़ाइनिंग की। आप देखें ऊपर वो कैसे लगा रहे हैं इसके ऊपर, आपको सारा दिखाती हूँ कि ये लोग इस तरह कैसे बनाते हैं ये रोटी यहाँ पे, और कैसे फिर ये तंदूर में लगाएंगे और कैसे उतारेंगे, आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा ये लोग कैसे अपनी रोटी बनाते हैं। ये देखें, अब उन्होंने ना तंदूर है यहाँ पे बहुत बड़ा इन्होंने लगाया हुआ, अंदर से भी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। ये देखें ये कैसे लगा रहा है रोटी, ये देखें अंदर से लगा। अब आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ कि अंदर इसे किस तरह की रोटियाँ लगाई हुई हैं, सारा प्रोसेस दिखाती हूँ मैं आपको। काफ़ी सारी इसने रोटियां लगाई हुई हैं इसके अंदर, और ये देखें देखें नज़र आ रही है अंदर काफ़ी सारी रोटियां लगी हुई हैं। और ये देखें ये उतार कैसे रहा है, इतनी मोटी मोटी इनकी रोटी होती है और बड़ी नरम नरम सॉफ्ट होती है, बहुत मज़े की होती है। देखें काफ़ी सारी लगाई हुई हैं उसने, ये तकरीबन दो या तीन या चार मिनट में इनकी रोटी बन जाती है। ये देखिए अंदर कोयले पे पकती है इनकी ये रोटी, अंदर कोयले उसने गिराए हुए हैं और वो जल रहे हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपने भी इस तरह की कभी रोटी खाई है पाकिस्तान में, और किस इलाके में खाई है, क्योंकि किर्गिस्तान में तो ऐसी रोटियाँ बनाई जाती हैं, पाकिस्तान में हमारे तंदूर की रोटी वो तो सभी खाती हैं, लेकिन इस तरह की रोटी किसने खाई है वो सब मुझे बताइएगा कमेंट करके। नया अंदाज़ देखें रोटी लगाने का और उनको उतारने का, और बहुत मज़े की रोटी होती है इनकी। हाय अरदासस, ये देखें अब इनकी रोटी कैसे फाइनली ये तैयार हो गई है, लुक देखें आप रोटी की। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रोटी।